आज बनाया है जी बहुत ज़बरदस्त किस्म का अचार गोश्त। किस तरह बनाया है, क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर जी। अजान जो है वो ख़त्म हो गई है। तो राई हमने आपको बताया कि एक चाय का चम्मच राई है तकरीबन, क्योंकि गोश्त जो है वो तकरीबन 2 किलो है, इसलिए ये क्वान्टिटी है आपने जहन में रखना है, ठीक है। अच्छा, ये है मेथी दाना, ठीक है, ये भी एक चाय का चम्मच है। थोड़ी सी हमने अजवाइन ले ली है। दड़ा मिर्च है 1.5 खाने का चम्मच और पिसा हुआ गर्म मसाला है। अच्छा, फ़िलहाल ये मसाले हैं, बाकी मसाले जो है ना वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी बाकी चीज़ें। अभी हमने इन मसालों को जो है पीस लेना है, और किन किन मसालों को पीसना है मैं आपको बताती हूँ। हमने पीसना है ज़ीरे को, सौंफ को, साबुत धनिया, राई और मेथी दाना हम नहीं पीसेंगे, क्योंकि अगर हम इसे पीसेंगे तो ये कड़वापन छोड़ देगा सालन में, और अजवाइन। बाकी दड़ा मिर्च हम ऐसे ही रहने देंगे, और पिसा हुआ गर्म मसाला तो पहले से ही पिसा हुआ है। तो हम इन मसालों को पीस लें, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुशोखरम होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको ये क्या चीज़ दिखा रही हूँ। तो ये असल में मेरा घर नहीं है, मैं आई हुई हूँ अपनी बहन के घर, और वहाँ पर जो है दावत हो रही है, और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं अचार गोश्त बना दूँ। तो अचार गोश्त के लिए मैंने मसाले लिए हैं, जो तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ आप लोगों से शेयर कर लूँ, लेकिन थोड़ा लाइट का इशू आएगा तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैंने कोशिश की है आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। चलिए फ़िलहाल पहले मसाले बता देते हैं। अच्छा, ये पूरे मसाले नहीं हैं, और साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी। और दूसरी बात ये कि 2 किलो गोश्त है, इस क्वांटिटी को जहन में रखिएगा, इसी हिसाब से जो है ना वो मसाले हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो है कलौंजी, ये 1 चाय का चम्मच लिया है भर के, और है ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, सौंफ है 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया है 1.5 खाने का चम्मच, राई है। राई अचार में डलती है, बहुत सारे लोग इसे नहीं जानते। ये देखिए इस तरह के छोटे छोटे से दाने होते हैं ये, और बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी। तो ये 1 चाय का चम्मच राई ले ली है हमने, और ये है मेथी दाना, ठीक है जी। ये थोड़ी सी है अजवाइन हमारे पास, 1.5 खाने का चम्मच है हमारे पास दड़ा मिर्च, और पिसा हुआ गर्म मसाला है हमारे पास। बाकी मसाले मैं बाद में बताती रहूँगी, ये 1 चाय का चम्मच है। अच्छा जी, हमने मसालों को पीसना है, और किन किन मसालों को पीसना है मैं आपको बताती हूँ। हमने पीसना है कलौंजी को, ज़ीरा, सौंफ, धनिया, राई और अजवाइन, इन चीज़ों को हम पीस लेंगे। मेथी दाना हम इसलिए नहीं पीसेंगे क्योंकि मेथी दाना अगर हम पीस लेंगे तो ये अपनी करवाहट छोड़ देगा सालन में, इसलिए हम मेथी दानों को एज इट इज़ डालेंगे। दड़ा मिर्च भी नहीं पीसेंगे हम, और पिसा हुआ गर्म मसाला तो पहले से पिसा हुआ है। तो चलिए पहले इन मसालों को पीस लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमने देखें पीस लिया है। इसी के साथ हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, आप अपनी मर्ज़ी से ले लें हसब ज़ायका, जितना आपको अच्छा लगे। नमक भी मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है, और मिर्च भी 1 खाने का चम्मच है, आप नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी से ले लें। और अब इन तमाम चीज़ों को जो है ना हम अच्छा सा मिक्स कर देते हैं। ये देखें, इनको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं हम। थोड़ा लाइट का इशू आ रहा होगा आपको यहाँ पर, क्योंकि मैंने तो सेटिंग की हुई है अपने हिसाब से, चैनल के हिसाब से वीडियो बनाने के लिए। तो मेरे किचन में तो लाइट का प्रॉपर इंतज़ाम है, यहाँ मैं लाउंज में बैठी हुई हूँ इस वक्त, क्योंकि लाउंज में सही रोशनी है, और किचन में जो है ना लाइट का सही तौर पे नहीं आ रही थी, मुझे सही नहीं लग रहा था वीडियो बनाना, तो मैं लाउंज में इस वक्त बैठी हुई हूँ। तो अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं इसको। मिक्स हो गया है हमारा मसाला, अब क्या करना है मैं आपको बताती हूँ जी। मसाला तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है हमारा तैयार। तो अब हमने यहाँ पे लिया है 2 लीमों का रस, और यहाँ पर हरी मिर्चें हैं। वैसे हमें थोड़ी सी बड़ी हरी मिर्चें चाहिए थी, लेकिन इस वक्त दस्तियाब नहीं है, यहाँ पर छोटी मिर्चें थी, मैंने बीच में से कट लगा कर इनको वाइट वाले जो बीज थे इनके वो मैंने निकाल दिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1, 2 थोड़ा सा और लेते हैं। तो हमने ये नींबू के रस में मिला लिया है मसाला, इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। ये देखिए मिक्स हो गया। अब हमने इन मिर्चों के अंदर जो है ना ये मसाला भर देना है। मैं मसाला भर लूँ, एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं अभी बना नहीं सक आपको वीडियो नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन मसाला मैं इन वीडियोज़ के इन मिर्चों के अंदर डाल देती हूँ। चलिए हेल्प के लिए आ गई हैं सिस्टर, तो आपको बना कर दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से अंदर भर दें, क्योंकि बीज तो निकल चुके हैं, इसको बंद करके हम साइड पर रखते जाते हैं, और इसी तरीके से हम तमाम मिर्चें जो है ना वो तैयार कर लेते हैं।
तो चलिए जी, मिर्चें हो रही हैं तैयार, तो हम चलते हैं किचन में चूल्हे के पास और करते हैं बाकी गोश्त की तैयारी। मिर्चों को हम तैयार करके साइड पर रख देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कुकर रख दिया है मैंने चूल्हे पे, हम इसमें डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बे ज़रूरत ऑयल डालेंगे। और मैंने यहाँ पर जो है ना एक मोबाइल की लाइट की हेल्प ली है, क्योंकि लाइट बहुत कम थी, तो ऑयल जो है वो कुकर गर्म हो रहा था, ऑयल भी गर्म हो गया साथ ही। तो इसमें डालेंगे हम प्याज, तकरीबन 3 अदद प्याज हैं दरमियाने साइज़ की जो बारीक काटे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शामिल कर दिए। प्याज को करेंगे हल्का ब्राउन, मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होगी और बहुत ही खुशबू फैल जाएगी घर में, सब पूछेंगे क्या बन रहा है, पड़ोसी भी पूछेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, प्याज हो गया ब्राउन, हम डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है, और 1-2 मिनट करेंगे कुक फ्राई। अच्छा जी, 2 मिनट हो गए हैं, लहसुन को भी हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालते हैं गोश्त, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और गोश्त जो है ना वो हड्डी वाला गोश्त है, ठीक है। इसको भी हम फ्राई करेंगे जब तक कि गोश्त की रंगत जो है ना वो बदल नहीं जाती, गोश्त को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ठीक है। लाइट सही करो, लाइट ऐसे, हड्डी वाला गोश्त है और तकरीबन 2 किलो गोश्त है ये, ठीक है। और मीडियम फ्लेम पर हम गोश्त को जो है ना 5 मिनट तक तकरीबन फ्राई करेंगे। अच्छा जी, गोश्त देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सा भुन गया है। अब हम इसमें तकरीबन 1.5 प्याला जो है ना भर के दही शामिल कर देते हैं। अच्छा जी, दही शामिल कर दी है, अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा भूनते हैं, तकरीबन 4-5 मिनट भूनने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं दही डाल के भूनते हुए, और अब हम जो है ना इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट, ये तकरीबन 1.5 पाव टमाटर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका पेस्ट बना लिया है और टमाटर का पेस्ट जो है, ये धुएँ की वजह से जो है ना कैमरा ब्लर हो रहा है थोड़ा, तो अब हम इसको मज़ीद भूनेंगे। 2-3 मिनट बाद मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। तो एक चूल्हा जो है ना ये एक्स्ट्रा लगाया है बाहर, क्योंकि अंदर वाले चूल्हों पे भी जो है ना वो खाना बन रहा है। मैंने आपको बताया था कि दावत है, तो इस वजह से तो ये एक्स्ट्रा चूल्हा है जो बाहर लगाया गया है। और कहाँ लगाया है ये देखिए, सीढ़ियाँ, सीढ़ियों में लगाया है ये चूल्हा, सीढ़ियों के पास, ये देखिए है ना, यहाँ पर लगाया है एक एक्स्ट्रा चूल्हा जिस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें शामिल करते हैं अपने वही वाले मसाले जो हमने अचार गोश्त का मसाला बनाया था, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर देते हैं और इसको भूनेंगे। और अगर भूनने के दरमियान हमें लगा कि इसमें नमक मिर्च कुछ कमी है तो हम मज़ीद शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी हम इसको भूनेंगे। अच्छा जी, देखें गोश्त जो है ना हमारा भूनने के लिए जो है इसमें पानी काफ़ी हो गया है, क्योंकि टमाटर और दही भी इसमें शामिल है की है और गोश्त अपना पानी भी छोड़ता है। तो अब हम यहाँ पर पता क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुकर को जो है ना बंद कर देते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, 12 से 15 मिनट के लिए बंद करते हैं कुकर को, और ये पानी खुश्क भी हो जाएगा और इस भुनाई पर आ जाएगा, तो फिर हम बाद में मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, देखिए जी, गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह गल गया है हमारा बहुत अच्छा। और अब हमने क्या करना है, हमने जो मसाला मिर्चों में भरा था वो हम इसमें डाल देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको करते हैं दम, तकरीबन 2 मिनट दम करेंगे। लेकिन इससे पहले हम डालेंगे ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए दम पे लगा देते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ जी। 2 मिनट गुजर गए हैं, अब हम इस पर अदरक छिड़कते हैं, ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारा अचार गोश्त जो है वो तैयार है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, सब बेचैन है खाने के लिए। तो कैसी लगी है आपको आज की रेसिपी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।